Hello everybody, I am CA Padma Jain and today I am going to talk about a typical problem of students appearing for various graduation exams and various professional exams and various master degrees jisme we have the subject law. तो बेसिकली आज जो मैं बात करने जा रही हूं इस छोटे से लेक्चर में दैट इज हाउ टू स्टडी लॉ. राइट, किसी भी अब लॉ एक थियरी सब्जेक्ट है. सो चिल्ड्रन दे स्टार्ट सेइंग इट इज बोरिंग, हमें जी इसको पढ़ते ही नींद आती है. सीधा सा स्टेटमेंट होता है क्लास में कि जी ये बहुत बोरिंग है और हमें नींद आती है. कभी किसी बच्चे से बात हुए तो वो यही कहेगा कि जी कुछ रास्ता बताइए जिससे कि इस लॉ को पढ़ सके, क्योंकि उन सबको मालूम है कि अगर पास करना है तो लॉ तो करना ही पड़ेगा, इतना उनको भी मालूम है. तो उस डायरेक्शन में एक छोटी सी मदद मेरी आपकी तरफ, जो आपको दिखेगी छोटी सी लेकिन है बहुत बड़ी सी, शायद आपको भी बहुत बड़ी सी लगे. वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स में सजेशंस दीजिएगा, अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा, तो उस पर फिर मैं आपको आंसर करूंगी. उसके लिए जरूरत पड़ी तो और वीडियोस बना दूंगी. तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो होने वाली है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ओके, अब किसी भी पढ़ाई को लेकर चार बातें होती हैं, देखा जाए तो चार बातें होती हैं, एंड दैट इज हाउ टू रीड कि पढ़ा कैसे जाए उस सब्जेक्ट को, फिर हाउ टू लर्न उसको याद कैसे किया जाए, फिर हाउ टू चेक अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करूं मुझे याद है भी सी के नहीं है, एंड किस टाइम पढ़ा जाए. राइट, तो ये चार बातें हैं जिसपे अगर मैं आपका बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. अब अगर हम बात करें हाउ टू रीड तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया जिससे आप समझ पाएंगे कि पढ़ते कैसे हैं. ऑक्यूपायर लॉ का ही पार्ट है छोटा सा, सो दैट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट. ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री मीन्स, तो ऑक्यूपायर की डेफिनेशन पढ़ी जा रही है. तो मैंने ऑक्यूपायर को हाईलाइट किया और मीन्स को हाईलाइट किया. द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. तो पहला रूल, आपको कोई लाइन अंडरलाइन नहीं करनी है, आपको छोटे छोटे वर्ड्स अंडरलाइन करने. राइट, दूसरी बात, जो मेन वर्ड है उसको दो तीन शब्द या कुछ शब्द जो आपको सही लगते हैं ऊपर लिख लें, शॉर्ट में लिखिए जिससे कि आपको वो समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए. अल्टीमेट कंट्रोल होता है उसका किसके ऊपर, ओवर द अफेयर्स. तो अफेयर्स भी लिखना है तो दैट इज योर चॉइस कि फैक्ट्री के जितने भी काम है उनके ऊपर जिसका पूरा कंट्रोल है वो बंदा ऑक्यूपायर है. प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ फर्म और अदर एओआई एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स और मेंबर्स देयर ऑफ डीम टू बी ऑक्यूपायर. अगेन ऐसे पढ़ा, मेन मेन वर्ड्स को हाईलाइट किया, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग गेन करी, बहुत स्पीड से नहीं पढ़ा, फिर मेन वर्ड्स को पकड़ लिया और कुछ ऐसा अगली बार ना पढ़ना पड़े. जितना आप पहली बार में पढ़ने में टाइम लगा रहे हो उसका आधा टाइम अगली बार लगना चाहिए, जितना सेकेंड टाइम लगा रहे हो उसका भी आधा टाइम, उससे आधा टाइम अगली रीडिंग में लगना चाहिए. एग्जाम से पहले अगर तीन से चार रीडिंग कर ली तो बल्ले बल्ले हो गई समझो आपकी, आप पक्का पास हो जाइए. मेरे से सुन लो आप, अगर इस तरीके से आप पढ़ना सीख गए कानून, तो फर्म में और एक है एओआई में, शॉर्ट में लिखेंगे, मेरे को समझ आता है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. इसमें वो बोला कि पार्टनर, सबको पता है फर्म में पार्टनर्स होते हैं तो पी से ही काम चल जाएगा मेरा तो, और इसमें मेंबर्स होते हैं, मुझे पता है मैंने एम मेंबर के लिए लिखा है, और बस वो ही क्या है, ऑक्यूपायर है. चलो काम बन गया, चलो एक काम करते हैं, क्रिस्प नोट्स बनाते हैं, हाँ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने रजिस्टर में, छोटा छोटा लिखते हैं जिससे कि थोड़े से में ही बहुत सारे नोट्स आ जाएं. अगली बार क्या इस चैप्टर को पढ़ना उसी पेज को देखेंगे फटाफट सेट ब्रेन में. तो चलो चार्ट बनाते हैं कि ऑक्यूपायर कौन होता है. तो ये जो ऊपर लिखा था
वही हमने अब इस चार्ट में लिख दिया, पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। अब एक बच्चा जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर वो लिखे यहां पे कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, फिर वो ऐसे लिखे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लिखना चाहता है। ओके, फिर नेक्स्ट आ गया, अगर फर्म है तो उसमें पार्टनर ऐसे करना चाहिए बल्कि, ठीक है, और अगर एओआई है तो उसमें मेंबर। इस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं। और ये किसका नोट्स चल रहा है जी, ये ऑक्यूपायर का डेफिनेशन चल रहा है छोटा सा, जो हमें समझ आ रहा है, राइट। फिर इन द केस ऑफ अ कंपनी, वन ऑफ एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑक्यूपायर है, तो यहां पे बुक में लिखा कंपनी डायरेक्टर। नोट्स बना रहे हैं आप रजिस्टर में, वेरी गुड, गो फॉर इट। तो ये तीसरा आ गया, कंपनी डायरेक्टर। इससे आपका काम बहुत आसान होता चला जाएगा, राइट। उसके बाद ये वो स्टूडेंट जिसका इंग्लिश अपने आप बन जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं मेरे को तो आता है, तो बेटा थोड़ा सा आपको फिर छोटा छोटा सेंटेंसेस, अब मैंने ये जानबूझ के ऐसे लिखा है आपके लिए, बुक में नहीं ऐसा लिखा होता, आपको भी पता है बुक में ये ऐसे नहीं होता। इन द केस ऑफ अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एनी वन अगली लाइन में नहीं आता, वो यहीं पे ही स्टार्ट हो जाता है, बट आई हैव ब्रोकन द लाइन, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स, उनको सिलेबल्स बोलते हैं, वो छोटा छोटा सिलेबल हर अगली लाइन में डाल दिया, जिससे कि उस एक सिलेबल फिर नेक्स्ट सिलेबल फिर नेक्स्ट सिलेबल फिर नेक्स्ट सिलेबल, आई रिमेंबर फास्ट। सो मुझे पता है इन द केस ऑफ अ कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स और मेंबर्स देयर ऑफ शैल बी, हर पार्ट का अगर स्टार्ट पकड़ लो तो वो पूरा पार्ट बड़ी जल्दी याद आने लग जाता है। अब आपको लगता है कि नहीं बोलने से काम नहीं बन रहा, तो फिर आप लिख लिख के इसको लर्न कर सकते हो। मैम उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ तो पहली बार में इतनी मेहनत कर लो ना, अगली बार खत्म, टेंशन ही नहीं है। फिर बात आती है कि मैं ये जब पढ़ रहा हूं तो मैं मन में पढ़ रहा हूं कि जल्दी जल्दी ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा हूं। देखो छोटी सी बात है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो दिमाग में बोल के, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो तो आप मन में बोलो, लेकिन नहीं आप तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जैसे ही आप बुक में देखते हो वैसे ही थ्योरी देख के दिमाग कहीं और चला जाता है, दोस्त में चला जाता है, व्हाट्सएप पे चला जाता है, फेसबुक पे चला जाता है, ट्विटर पे चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका माइंड कहीं और चला जाता है तो फिर आप ऊंचा ऊंचा पढ़ो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। जब दोस्त का सोच रहे होगे वो किताब नहीं पढ़ सकता, जब किताब पढ़ रहे हो तो वो दोस्त का नहीं सोचेगा। अब किताब क्योंकि आप देख रहे हो पढ़ नहीं रहे हो, तो दिमाग फिर सोचने पे चला गया, उसको जो मजा आ रहा है काम करने में वो उधर चला गया, ये मन है जो दिमाग को उधर ले गया, आप भी समझते हो ये बातें। तो मन को टिकाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ऊंचा ऊंचा पढ़ोगे, जब ऊंचा ऊंचा पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ोगे, क्योंकि अपनी आवाज इतनी ऊंची ऊंची सुनाई पड़ रही है कि और कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, मन कहीं भटकेगा ही नहीं, तो दिमाग कहीं क्यों जाएगा, आप समझ गए। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझो कि दो बंदे झगड़ रहे हैं घर में, सड़क पे, एनीवेयर, ओके, दो बंदे झगड़ रहे हैं और दोनों कैसे झगड़ रहे हैं, दोनों को पढ़िए मेरी सुनी जाए, मेरी सुनी जाए, मेरी सुनी जाए, राइट। और दोनों चिल्लाने लग गए, एक्स भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं नहीं तू तो ऐसा ही है, मैं ये कह रहा हूं, और इधर से वाई भी चिल्ला रहा है, तू क्या समझता है अपने आपको, मैं हाँ, दोनों मैं करके बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। अब आप भी समझदार हो कि इन दोनों को एक दूसरे की सुनाई पड़ रही होगी या अपनी। थिंक 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 कि जब दो बंदे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो दोनों को किसकी सुनाई पड़ रही होगी। तो आप भी समझदार हो, जब मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूं तो मुझे मेरी जरूर सुनाई पड़ रही है, मेरे दिमाग में वो चीज फीड होती जा रही है, जितना ऊंचा बोलूंगा ना उतना देर तक फीडेड रहेगा, लंबा समय तक फीडेड रहेगा, गारंटी है भाई साहब इस बात की, आप समझ लो मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं चिल्लाता हूं तो मेरा फायदा, लंबे समय तक याद रखने वाला फायदा, क्या चाहिए इसके बाद आपको, बताइए मुझे आप। इसलिए आपका दिमाग भटक रहा है, वो आपको कहीं और लेके जा रहा है, उसको बोलो अरे नहीं जाने का भाई, वापस आने का, और फिर ऊंचा ऊंचा बोलेंगे तो वो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ वही आवाज सुना सुना के आप ब्रेन को बोल देंगे कहीं नहीं जाना, टेक यहीं पे, यू गॉट द लॉजिक, दैट इज द पॉइंट, ओके। उसके बाद वो बोलता है इन द केस ऑफ अ फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वर्ड्स पकड़ने हैं,
ऐसे याद करते हैं, दो शब्द है, ओन्ड और कंट्रोल्ड। फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजी, शॉर्ट में याद करते हैं सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी। अ पर्सन और पर्सन्स अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय द सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। मुझे मालूम चल गया आगे का तो सब ऐसे ही है, नॉर्मल सा मैं लिख सकता हूं, मेन वर्ड्स नहीं है, काय को अंडरलाइन करूंगा। तो यहां पे मैंने क्या पकड़ा कि ये फैक्ट्री है ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं कि ये वाला केस है। और फिर इसमें कौन आएगा? पर्सन अपॉइंटेड। बस आगे तो मैंने ऊपर भी पढ़ लिया था, अपॉइंटेड टू कंट्रोल द अफेयर्स और टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, सिंपल। तो ऐसे इसको भी फिर मैं आगे चार्ट को बड़ा गया यहां पे लिख दूंगा और पूरा डिटेल मेरा एक चार्ट में आ जाएगा और फिर दोबारा मुझे इस डेफिनेशन को नहीं देखने का। मैंने अगर इससे 20 मिनट लगाए ठीक से पढ़ने में, 15 मिनट लगाए, भाई साहब 10 मिनट लगाए, स्पीड बहुत है अपनी, तो अगली बार मैं 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने वाला हूं। और दूसरी खास बात, अगली बार जब आप ये वाला चार्ट, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब ये वाला चार्ट आप पढ़ोगे तो ये एज इट इज फोटो की तरह आपके ब्रेन में छप जाएगा। आई टेल यू सीरियसली, ये एज इट इज छप जाएगा, आपको याद हो जाएगा आपने 1, 2, 3 और 4 इसमें कॉलम बनाए थे, आपको सब याद हो जाएगा। मैंने इधर 3 बार लिखा, इधर 2 बार लिखा, इधर 2 बार, इधर 2 बार, ऊपर मैंने क्या लिखा था, ऑक्यूपायर, ऐसे सब याद हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आप 3 से 4 बार इसको देख लोगे। जब हम फोटो खींचते हैं तो वो वाली फोटो हमारे को बाद में भी याद रहती है जो हम खींचे थे अपने कैमरा से, क्योंकि फोकस करने में और सब सीन को पीछे सेट करने में, अभी थोड़ा लेफ्ट हो, अभी थोड़ा राइट हो, चलो चीज। फोटो खींचते हुए बहुत ड्रामे करते हैं हम लोग, तो वो सारे ड्रामे मैंने किए थे, सो आई रिमेम्बर वेरी वेल। तो जिस चीज में जितना समय लगाओगे मेमोरी में उतना लंबे समय तक रहेगा। पूरी एल्बम में दुनिया भर की फोटोज हैं, अबे ये फोटो तो मैंने खींचा था, यू रिमेम्बर, दैट इज हाउ यू विल बी टॉकिंग, राइट। तो ये भी एक फोटो है जो आपने ही बनाया है, वक्त लगा के बनाया है, बार बार देखा है, तो डेफिनेटली क्यों नहीं सेट हो जाएगा। एग्जाम में आ गया 3 मार्क का 4 मार्क का ऑक्यूपायर का डेफिनेशन, वाओ बल्ले बल्ले हो गई आपकी, छापिए और मार्क्स लाइए। पूरा एज इट इज लिख दिया आप तो 3 में से 3 ही देगा ना, काय को कटेगा मार्क्स आपके। आई होप यू गेटिंग राइट। तो ये बड़ी छोटी सी एक आर्ट है थ्योरी को पढ़ने की कि किस, अभी देखिए मैंने वही सब आपको लिखा कि रीड कैसे करते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है तो ही लाउडली पढ़ना है, फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, लाइन्स को नहीं करना है, फिर उसके बाद हर पैरा के ऊपर कुछ वर्ड्स लिख लीजिए जैसे अभी मैंने सिखाए। अच्छा फिर क्या होता है, लॉ में ये बड़ा होता है 30 डेज में आरओसी को फाइल कराने का, फॉर्म नंबर ये वाला फाइल कराने का, INC 27 है ना, फिर 60 डेज में ट्रिब्यूनल के अप्रूवल लेने के जाने का, फिर ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बाद अगले 60 या 90 डेज में ये वाला काम करने का, राइट। फिर ये कैपिटल मैक्सिमम जो है वो 10% हो सकता है, या इन लोगों का शेयर कैपिटल में मैक्सिमम 10% होना चाहिए, या इनका वोट राइट इतना परसेंटेज होगा, ऐसे करके बहुत सारे परसेंटेजेस आते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ डेज आते हैं। इस तरह का लॉ में प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है, राइट, दीज आर ऑल टर्म्ड एज प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो जितने भी आपको पीरियड्स नजर आ रहे हैं, प्रोसीजरल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, अमाउंट्स नजर आ रहे हैं, परसेंटेजेस नजर आ रहे हैं, जैसे कोई पीरियड है तो पीरियड पढ़ते वक्त ध्यान देना होता है पीरियड का स्टार्ट क्या है और एंड क्या है। जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्लोजर हुआ, राइट, बैलेंस शीट डेट आ गई, आपका क्लोजर आ गया, इस क्लोजर डेट से 6 मंथ्स के अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए। तो ये एक लाइन है जो मैं बनाती हूं अपने क्रिस्प नोट्स में, या जब पढ़ रही हूं बुक में तब बना रही हूं, तो मुझे अगली बार मुझे ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होगा, मेरे को इधर ही देखते हुए याद हो जाएगा कि जब एफएस का डेट आता है या क्लोजर डेट आता है या बैलेंस शीट डेट आता है, भाई साहब उसके 6 मंथ्स के अंदर एजीएम करने का। तो इससे मेरे को बार बार वो पैराग्राफ पढ़ना है। अंग्रेजी अपनी साउंड है भाई, अंग्रेजी तो अच्छी बनानी पड़ेगी आपको, राइट। वंस यू हैव गुड इंग्लिश, यू हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज, इट्स वेरी कूल, बस फिर आपके माइंड में याद होना चाहिए। तो इस तरीके की टाइमलाइन बना लीजिए करिए इस तरीके से, और जब भी टाइम पढ़ा करें तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों बड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हाउ टू रीड, फिर ये मैंने आपको बताया,
हर अगली रीडिंग में पिछले से आधा टाइम। अगर फर्स्ट रीडिंग आप चैप्टर का 1 आवर में लिए, नेक्स्ट इट शुड बी 30 मिनट्स एंड नेक्स्ट इट शुड बी 15 मिनट्स, यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ इट डिपेंड्स कि आप फोर्थ टाइम भी पढ़ रहे हैं तो अगेन मे बी और 15 मिनट्स और वॉट एवर, वो आपको देखना पड़ेगा। एक और खूबसूरत बात कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो एक लॉग प्रिपेयर करिए, टाइम लॉग, जिसमें आप लिखते चले जाइए मैंने चैप्टर 1 एनी लेवल, ओके, चैप्टर 1 में कितना टाइम लिया, चैप्टर 2 में कितना टाइम लिया। यू नो दिस इज हाउ यू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज द वन जिसका सब प्लान होता है, चॉक आउट होता है, जिसको मालूम मैं कितने समय में क्या कर रहा हूं, उसको मालूम अगली बार कितने समय में क्या करने का, उसको मालूम कितने बजे बैठा, कितने बजे उठा, कितना मिनट्स, कितना सेकेंड, आई नो एवरीथिंग। मैं बोला कितना टाइम पढ़ा, मैम थोड़ा सा देर पढ़ा था शाम को, ये दिस इज नॉट द स्टाइल, ओके, ये कोई तरीका नहीं होता टाइम बताने का, कम ऑन। नहीं मैम मैं घड़ी नहीं देखा था, तो देखने का था ना कितने बजे बैठा, कितने बजे खत्म किया, अगली बार कितने बजे बैठा, कम ऑन, यू कैन नोट डाउन द टाइम, यस और नो, दैट इज द पॉइंट, ओके। सो एवरी चैप्टर यू मस्ट बी नोइंग मैं कितना वक्त लगा रहा हूं। इससे क्या होगा, टोटैलिटी, लेट अस सपोज 20 चैप्टर्स आर देयर इन योर कोर्स, तो वो 20 चैप्टर्स में टोटल टाइम कितना लगा, यू बिकम वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, राइट। सपोज उसमें लगा मेरे को 30 आवर्स, लेट अस सपोज अ वेक फिगर हाइपोथेटिकली 30 आवर्स, ओके। सो नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट रिविजन यू शुड ट्राई टू टेक मैक्सिमम 15 आवर्स। मैम दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ओके, द वे आई एम टेलिंग ट्राई टू फॉलो दैट वे, इट विल बिकम पॉसिबल, ओके। उसके बाद आया इसको लर्न कैसे करें। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप कोई भी एरिया पढ़े, जैसे अभी ऑक्यूपायर का डेफिनेशन पढ़े, ठीक है, अब आप ऊंचा ऊंचा पढ़े बिकॉज यू वर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फाइन, आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद आपने लिखा भी था साथ में, राइट, आपने साथ साथ में क्रिस्प नोट्स भी बनाया था, राइट। अब उसके बाद अगर आप हर बार ऐसे नहीं करते हो कि मैं बाद में नोट्स बनाऊंगा, अभी बस पढ़ता हूं, तो आप एक काम और कर सकते हो, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब शून्य की तरफ देखो, वैक्यूम, हाँ, हवा में देखो, और फिर अपने आप से बात करो, ऊंचा ऊंचा बात करने का, ओके, मैम घर में लोग डिस्टर्ब होंगे, तो अपना ध्यान दो भाई, मार्क्स आएंगे वही लोग खुश होंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते बेटा, पढ़ाई करते वक्त अपने बारे में सोचते तो सबके बारे में सोचा, ओके, तो इतना भी नहीं सोचना दूसरों के बारे में कि दूसरे डिस्टर्ब हो रहे, डिस्टर्ब होंगे तो बोलेंगे ना, क्यों अपना ख्याली पुलाव पिक्चर्स और इमेजेस क्रिएट करते हो ब्रेन में फालतू का, टाइम नहीं है, पढ़ाई करो, चलो चलो पढ़ो, ओके। तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, फिर शून्य में देखा, फिर बोला कुछ, अबे बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे, पता चला नहीं बोल पा रहे, फिर अपने आप को ऐसे थप्पड़ मारने का, काय गो, अबे क्या कर रहा है, टाइम पास चल रहा है क्या तेरा, फिर दोस्त की स्टोरी क्या पढ़, फिर से पता चला भाई साहब, वो भाई साहब मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, अबे एक टाइम पास चल रहा था, अबे थोड़े दिन बाद एग्जाम है, क्या बोलूंगा किसी को, तो फिर से पढ़ा, अब सीरियस होके पढ़ा, नहीं नहीं ऊंचा ऊंचा पढ़ेंगे, मैम बोलती ऊंचा ऊंचा पढ़ने से फायदा होता, तो ऊंचा ऊंचा पढ़ा, ऊंचा ऊंचा पढ़ने से डेफिनेटली फायदा होगा। अब आपने पढ़ लिया, ओके, वंस अगेन द सेम प्रोसेस रिपीटेड, देखे बोल पा रहे आप, हाँ बोल पाए, तो आपने विजुअलाइज करा, आपके ब्रेन में वो बात गई, कम ऑन, बी हैप्पी, दैट इज द पॉइंट। तो इस तरीके से इसको आप लर्न करते हैं, समझ आया। फिर उसके बाद आते हैं निमोनिक्स, शॉर्ट फॉर्म्स, जो मैं जब पढ़ाती हूं तो बहुत सारे निमोनिक्स देती हूं, चाहे वो बीसी एथिक्स है, चाहे वो बिजनेस लॉ है, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो ऑडिट है, एवरीवेयर आई ट्राई टू मेक निमोनिक्स, चाहे वो इंटर लेवल है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल है, एवरीवेयर, क्यों, क्योंकि उससे बहुत जल्दी याद हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म्स हम कर लेते हैं उससे लर्न हो जाता है, राइट। उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, आई टोल्ड यू 3 to 4 times आप जरूर करिए फाइनल एग्जाम से पहले, मैं लिखित में गारंटी दे सकती हूं आपको, सीरियसली, नॉट जोकिंग, सीरियसली, आप अगर 3 to 4 times पढ़ लिए एग्जाम से पहले, द वे आई टोल्ड यू, राइट, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप, लीगल लैंग्वेज पे कमांड ले आए तो भाई साहब 70s 80s नंबर इज योर्स, राइट। उसके बाद अभी 4 times कैसे पढ़े, हर महीने में 1 बार, इट्स नॉट अभी पढ़ा फिर अगली बार अगले दिन शुरू कर दिया, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, दिस इज नॉट द राइट वे, अभी जो मैंने कल पढ़ा वो तो मेमोरी में है, काहे को दोबारा पढ़ता है, अभी चेक करने का, तो थोड़ा दिन ठहर जा, ओके,
तो उससे क्या होगा, आप इस महीने में पढ़े फिर अगले महीने में वो सब्जेक्ट उठाए. सो देर इज अ टाइम गैप ऑफ 15 to 20 or 25 days, देन इट्स बेटर टू चेक योर सेल्फ, राइट, सी वॉट इज योर परफॉर्मेंस, मेमोरी कितना रिटेन कर रही है, कितना रिटेन नहीं कर रही है. दैट वे मैम मेरे को नहीं होता 3-4 बार में, बेटा तू 5 बार पढ़ ले. मैं ऐसा क्यों, कम ऑन नाउ, दिस इज नॉनसेंस, प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड बट दिस इज द ट्रूथ. ये कोई बेसमझी वाली बात से ज्यादा बात नहीं करी आपने कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं मेरे जैसा हूं, आई एम द बेस्ट, बात खत्म. ऐसे सोचता रहूंगा तो पढ़ाई कब करूंगा, तो कुछ फालतू का नहीं सोचना. आपको जितनी बार में लर्न होता है, 3-3 बार में हो जाता है, मैंने तो 4 बोल दिया, डेफिनेटली हो जाएगा. आप ऐसे अपने आप को बोले हो जाएगा तो हो जाएगा, राइट. अब टाइम नहीं है इतना मैम कि मैं एग्जाम से 4 बार कर सकूं, तो ठीक है आप फिर 3 बार कर लो, राइट. अब एक महीने में 2 बार भी कर सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो, दैट वे, राइट. फिर उसके बाद मैडम टाइम कौन से टाइम पे पढ़े, रात को पढ़े, सुबह पढ़े, दिस इज क्वाइट पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरे टाइम में मेरे साथ कैसा होता था, रात को नींद आ रही है, 11 बज रही है, आई वॉन्ट टू स्लीप, तो सोने लगे, लेकिन पढ़ाई का भी टेंशन है, सोने लगे. अब पढ़ाई का टेंशन क्या करें, एग्जाम जाने वाले हैं, पढ़ना है, तो चलो लॉ उठा के बैठते हैं. लॉ उठा के बैठे, भाई साहब 3 घंटे गुजर गए, मालूम ही नहीं चला. व्हाट डज दिस शो, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर आई हैड, आई हैड द टाइप ऑफ बिहेवियर दैट आई लर्न्ड थ्योरी पार्ट. लॉ ऑडिट की बुक खोलने से, टैक्स की बुक खोलने से, थ्योरी सब्जेक्ट व्हाट एवर, उससे मेरा दिमाग खुल जाता है. आई स्टार्ट एंजॉइंग द स्टडीज एंड आई कीप ऑन स्टडिंग फॉर आवर्स टुगेदर. जस्ट इमेजिन. सो दिस वॉज माई बिहेवियर, मे बी इट्स योर्स, मे बी इट्स नॉट, राइट. तो अपने आप को स्टडी करिए, आप किस टाइम पढ़ पाते. नहीं मैं तो नहीं पढ़ पाता रात को, मेरे को तो नींद आती है, बुक सोना हो तो लॉ की किताब उठा लेता हूं. वेरी गुड. आपको अगर लग रहा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही और लॉ की किताब उठाने से नींद आएगी और आपको सोना जरूरी मांगता है, तो आप सो जाओ, किताब उठाओ, सच्ची सच्ची लॉ का बुक उठाओ, सुबह उठ के भी वही उठाना. फिर सुबह कितने बजे, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू. आप 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, दैट इज योर आउटलुक. लेकिन फिर आपको अगर अर्ली मॉर्निंग में लॉ का पढ़ाई जल्दी समझ आता है, तो फिर सुबह करिए, राइट. सो आई होप आप एनर्जेटिक होने चाहिए जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. एंड आई होप ये बातें अगर आप फॉलो करेंगे, आई डोंट होप, आई गारंटी यू, यू विल बी सक्सेसफुल द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.